माइनक्राफ्ट में काफी इलीगल आइटम्स, ग्लिचेस एंड एक्सप्लोइट्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर क्या तुमने एक ऐसे एक्सप्लोइट के बारे में सुना है जिसका यूज अगर तुम सही से कर लो तो वो तुम्हें एक ऐसी चीज का एक्सेस दे सकता है जिससे ना सिर्फ तुम क्रिएटिव में बल्कि हर एक कमांड जो माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करती है उसको एक्सेस कर पाओगे। गेमेडी कोई ऐसा वे है जिससे हम इस सर्वर के अंदर ऑपरेटर ऑब्टेन कर सकें? भाई सर्वर के अंदर, सर्वर आपको पता है सर्वाइवल में, और सर्वाइवल में कैसे ही हम ऑपरेटर ले सकते हैं, और वैसे भी बस मिस्टर एक्स के पास ऑपरेटर है और बाकी तो किसी के पास भी नहीं है। तो इसका मतलब कोई तरीका नहीं है ऑपरेटर लेने का, राइट? जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको ऑब्टेन करने का भी कोई ना कोई तरीका होता है, एंड ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि वो चीज तुम्हारी जिंदगी में या फिर एक गेम में एग्जिस्ट करती हो। इस टाइम पे सर्वर के अंदर ऑपरेटर ऑब्टेन करना मेरा सबसे बड़ा मोटिव था, बट जितना यह सुनने में एक्साइटेड लगता है ये उतना ही मुश्किल है क्योंकि इसको ऑब्टेन करना लिटरली इम्पॉसिबल है। बट एज आई सेड, जो चीज एग्जिस्टेंस रखती है उसको ऑब्टेन करने का भी कोई ना कोई तरीका होता है। ये तो दूसरे यार, बेसिकली विदाउट परमिशन लेना तो हार्ड है। ना ये लोग तो परमिशन वाला बता रहे हैं। इसको क्या हो गया यार? एक तो ये लोग इस टाइम पे कॉल करते हैं जब बंदा बिजी होता है। लो इधर भाई, अपना सर्वर न्यू हो गया। सर्वर न्यू हो गया? कौन सा सर्वर? अपना माइनक्राफ्ट सर्वर है। तो थोड़े दिन पहले ही मैंने खुद का एक लाइव स्ट्रीम सर्वर लॉन्च किया, बट अभी मुझे मेरे एडमिन की तरफ से एक ऐसी न्यूज मिलती है जिसको सुनने के बाद मैं थोड़ा सा हिल जाता हूँ। इन शॉर्ट, किसी बंदे ने मेरे सर्वर के अंदर ऑपरेटर लिया एंड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर उसने पूरे सर्वर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे इस चीज पर यकीन नहीं आता अंटिल मैं ये सब अपनी आंखों से देखता हूँ। इस टाइम पे मेरे दो इमोशंस थे, खुशी और गमी। गमी इस चीज की कि मेरा सर्वर न्यूक हो गया था, लेकिन खुशी इस चीज की कि जिस चीज के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था शायद मुझे अब इसका फल मिल जाए। हेलो, कुछ बोलो भाई, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। मैं एक्सप्लोइट नहीं बताऊंगा। यार देखो मेरी बात सुनो, सर्वर की अलग बात है लेकिन इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए वो चीज़ चाहिए। तुमने जो काम करा है वो लिटरली में काफी मुश्किल है, इम्पोसिबल है जो काम तुम कर चुके हो, लेकिन अगर तुम वो मुझे बता दो तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। अरे यार भाई, देख देख मेरी बात सुन, तुझे क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, देख मेरी बात सुन। पैसे की बात है, मैं तुझे देता हूँ। कितने पैसे चाहिए बता? वेल, मैं अपना बेस्ट देता हूँ, अपनी बेस्ट ट्राई करता हूँ उस बंदे को कन्विंस करने की कि कैसे भी करके वो मान जाए मुझे वो एक्सप्लोइट देने पे, बट वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। एट द एंड मैं भी हिम्मत हार जाता हूँ, बट तभी कुछ ऐसा होता है जो कि शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। वेल इन शॉर्ट, वो बंदा मुझे एक पीपी मैच के लिए चैलेंज कर रहा होता है, लेकिन क्या वो पीपी मैच फेयर था? बिल्कुल भी नहीं। उस पीपी मैच के अंदर वो बंदा खुलेआम हैक्स का यूज करेगा, बट मैं ऑपरेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं किट्स का यूज जरूर कर सकता हूँ। एंड देयर इज अ ट्विस्ट, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने सर्वर के अंदर एक किट इंट्रोड्यूस करवाई थी, नेम एज हिटमैन। एंड उस किट के अंदर तुम्हें पता है क्या मिलता है? एक वन शॉट सोर्ड, मतलब तुम किसी को भी वन शॉट कर सकते हो, लिटरली वन शॉट। वो एक टाइम के लिए काम करती है लेकिन मेरे लिए वो इनफ थी, बट वो मैच को फेयर रखे या ना रखे मैं मैच को फेयर रखना चाहता था, इसलिए मैं उस सोर्ड का तभी यूज करूंगा जब उसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड तुम्हें लगता है मुझे उस सोर्ड की जरूरत पड़ने वाली थी? आजा भाई। वेट, ये व्हाट? ओके, हैक्स ऑन कर लिया लगता है इसने। चलो भाई, हमें पीपी हैक्स ऑन करने पड़ेंगे अपने। ओके, ओ माय गॉड, इस पर रीच है भाई। मैं पहले तो ट्राई करूंगा इसको मारने की, अगर ये नहीं मरा तो मैं वन शॉट का यूज करूंगा। ओह शिट भाई, ये रीच बहुत क्रिंज है। उस साइड पे भी बंदों को मार रहा है लिटरली। ओह शिट, वेट, बे यार, ये मेरा माउस गया। ओह बहुत बहुत हार्ड है ये, इस पर रीच है भाई। सर्वर गया नहीं। ओह लेट्स गो, इसको पेलता हूँ मैं। रुको भाई, ये वन शॉट इस पे लाओ, इसने बड़ा तंग करा है भाई।
पहला टास्क कंप्लीट करने के बाद मैं वेट करने लग जाता हूँ इसके सेकंड टास्क का। लेकिन इसके टास्क देने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने सर्वर के बारे में। तो सर्वर की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है एंड इसकी आईपी भी तुम्हें स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी एंड पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। एंड अगर तुम अभी सर्वर ज्वाइन करोगे तो इस कोऑर्डिनेट पे तुम्हें ये किट मिल सकती है जिससे तुम अपनी स्टार्टर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी के अभी ज्वाइन करो एंड एंजॉय करो। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एंड उसका सेकंड टास्क शायद इस पीपी मैच से भी ज्यादा हार्ड था। उस बंदे ने लिटरली डिमांड कर दी थी कि मैं उसको वांटेड से व्हाइटलिस्ट करवाऊं। एंड तुम्हें क्या लगता है मैं ये करने वाला था? हेलो मिस्टर एक्स। हेलो जरा नीचे आओ भाई, तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या हेल्प चाहिए? बेसिकली मेरा एक दोस्त है एंड वो काफी टाइम से मुझे बोल रहे हैं कि यार एक दफा मुझे वांटेड में व्हाइटलिस्ट करवाओ, मैंने वांटेड एसएमपी देखनी है एक दिन के लिए, वो भी प्लीज उसको व्हाइटलिस्ट कर सकते हो सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद चाहे आप बैन कर देना। ऐसे थोड़ी, आपको नहीं पता एसएमपी के अंदर कैसे व्हाइटलिस्ट होते हैं? पहले डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, फिर अप्रूव होते हैं, ऐसे मेंबर सारे मानते हैं, फिर एसएमपी के अंदर आते हैं। बस एक दिन के लिए व्हाइटलिस्ट करना है यार, एक दिन के लिए, उसके बाद बेशक आप बैन कर देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, डोंट वरी। आपको पता है ना हम ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है, हम ऐसे किसी भी मेंबर को नहीं सर्वर में ला सकते यार। बाकी मेंबर्स भी तो बोलेंगे, फिर तो हर बंदा ऐसे बोलेगा मेरा कर दो, मेरा कर दो, बोलेंगे हैदर भाई का किया। उसके बाद कोई नहीं बोलेगा, इसके बाद कोई नहीं बोलेगा, पक्की बात है। देख लो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सारा कुछ आपका। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको नेम दे रहा हूँ उसका। हेलो अलवेज भाई, यार मैंने तुम्हें व्हाइट लिस्ट करवा दिया सर्वर से, ज्वाइन करके देखो। ओ तुम स्पॉन पे ही आए हो भाई, चलो भाई। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कैसे करवाया, लेकिन बहुत हार्ड था ये। हाँ भाई आप कहाँ हो? इधर ही हूँ मैं, ये देख तेरे सामने। भाई सारी बातें छोड़, अभी काम की बात कर। देख 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 मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई। मैंने तुझे नहीं पता मैंने तुझे कैसे व्हाइटलिस्ट करवाया, बट अभी यार एक तो ये तू हैक्स यहाँ पे भी लगाएगा क्या अब? अच्छा मेरी बात सुनो, छोड़ो इस बात को, एक्सप्लोइट बताओ जल्दी। भाई तुझे नहीं पता मैंने कैसे तुझे व्हाइटलिस्ट करवाया है, इतनी भी क्या जल्दी। भाई देख ये कोई मजाक की बात नहीं है, अगर तूने एसएमपी के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे पे आएगा। भाई किधर जा रहा है? हेलो अबे ओ नो, नहीं 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 भाई मेरी बात सुन, कोई हरकत मत करना सर्वर के अंदर, एक दिन के अंदर अंदर तू बैन भी हो जाएगा। देख मैंने तुझे व्हाइटलिस्ट करवाया तो मैं तुझे बैन भी कर सकता हूँ। देख मेरी बात सुन भाई, मुझे एक्सप्लोइट का नहीं पता चला ना तो तू नहीं बचेगा भाई, मैं तुझे सीधी बात बता रहा हूँ। राइट यार काफ़ी टाइम हो चुका है, लिटरली 12 घंटे होने वाले हैं। हाँ और वो बंदा अभी तक नहीं आया, इस टाइम रात का 1 बज चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, वो बंदा गेम है पता नहीं क्या कर रहा है, आई डोंट नो, वो चैट में लिखता हूँ। भाई मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है, अगर इस बंदे ने कोई भी हरकत कर दी तो स्पॉन पर। ओके ये आ गया, राइट रुको इसको वीसी बुलाता हूँ मैं। भाई तू क्या कर रहा है एसएमपी के अंदर, लिटरली काफ़ी 12 घंटे हो चुके हैं भाई। मुझे देख मेरी बात सुन, मैं तुझे दो ऑप्शन देता हूँ, एक्सप्लोइट बता नहीं तो अभी कभी तुझे बैन कर दूंगा मैं, मेरे पास और टाइम नहीं है भाई, जल्दी बता, तेरी वजह से मैं फंस जाऊँगा भाई। अच्छा अच्छा बताता हूँ, सबर भाई सबर, मैं क्या सबर करूँ, 12 घंटे हो गए हैं, मैं तेरी वजह से सो नहीं रहा लिटरली, जल्दी बता भाई जल्दी, पहले मेरी एक बात मान लो। भाई तू कितनी बातें मानूँ तेरी मैं, देख मेरी बात सुन भाई, और कोई बात नहीं माननी, एक्सप्लोइट बता नहीं तो, देख मेरी बात सुन, कितने हिट है तेरे, ये देख एक हिट है, मार दूँ, जल्दी बता जल्दी जल्दी बता, तेरे हैक्स भी काम नहीं आएंगे इस बार, तुझे स्पॉन बैन करूंगा मैं लिटरली। भाई तू मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुका है भाई, तेरे इस एक्सप्लोइट के चक्कर में मैंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। अपना आर्मर और टूल्स दे दो फिर बता दूंगा। आर्मर और टूल्स किस लिए लेना है अब तूने? रुक जा अभी मुझे तुझे करना ही पड़ेगा, बहुत हो गया तेरा एंड है भाई, अब बस मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों और लोगों को दिखाने का। ठीक है रुक, ये ले जल्दी कर भाई, जल्दी कर स्क्रीनशॉट, जल्दी ले, मेरे पास टाइम नहीं है लिटरली, मुझे एक्सप्लोइट लिख के दे चैट में भाई। ओ शिट, नहीं 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 भाई, ओ नो 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 नो, शिट 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 शिट, अबे यार औकात दिखा दी ना भाई तूने अपनी, नहीं 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 नहीं, शिट 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 भाई, तू फिर भी मुझे नहीं मार पाएगा, ओ नो ओ नो शिट, ओ नो 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 नो, बे यार भाई शिट, वेट वेट यहाँ पे पानी है, वहाँ पे पानी है, गेमेटी के घर के पास पानी है, ओके ओके ओके, मुझे इस साइड पे भागना पड़ेगा, कम ऑन जल्दी,
अबे वर्क नहीं कर रहा है ए? शिट ओह नो ओके मेरे पास एंडर बग्स भी है ना मैं पागल क्यों हो रहा हूँ भाई ना भाई ना तू नहीं पकड़ सकेगा मुझे तू नहीं पकड़ सकेगा भाई ओह नो मैं स्केलेटन इस टाइम पे मैं काफी ज्यादा गलतियां कर चुका था। मेरी सबसे पहली और आखिरी गलती ही यही थी मैंने इस बंदे से कॉन्टेक्ट करा क्योंकि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा उठा रहा था। उसने ना मुझे तब एक्सप्लोइट का बताया ना ही उसने मुझे कभी एक्सप्लोइट के बारे में बताना था, लेकिन अभी टाइम था कि जो गलतियां मैंने की हैं उनको सुधारने का। हेलो हेलो गेमर्टी हेलो हैदर भाई कहाँ पे हो भाई? यार मुझे तो डायमेंशन ने बैन कर दिया था। बैन कर दिया कब क्यों भाई? वो बस उसने मुझे ट्रैप कर लिया था फिर उसने मार मार। यार वो सब छोड़ो, सर्वर के अंदर एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। क्या हुआ? यार मैं तुम्हें बता नहीं सकता, गेम में आओ जल्दी। भाई गेम में कैसे आऊं, बैन हूं मैं तो, अनबैन कैसे कराऊं तुम्हें अब? यार मेरे पास ना एक वैसे रिवाइव बुक पड़ी हुई है, लेकिन आप पता नहीं आपको उसकी लोकेशन पता चलती है या नहीं। आपको मेरी बेस का पता ना जो स्पॉन पर है? स्पॉन पे जो टावर बनाया हुआ तुमने, उधर ही हूं मैं। हां 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 उसके अंदर जाओ आप। उसके अंदर दरवाजा खुला पड़ा है। हां चला गया। और यहाँ पर आपको मेरे बेड दिख रहे होंगे। तीन बेड है? हाँ हाँ तीन बेड। उसमें से जो सेंटर वाला बेड है ना उसको तोड़ो और उसके नीचे आपको कुछ मिलेगा। ओ वेट, रिवाइव बुक। ओके कर दिया भाई रिवाइव, चेक करो गेम में ज्वाइन करके। ओके ओके मैं देखता हूँ। वेट हो गया हो गया हो गया हो गया। लेट्स गो भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके ओके कहाँ पे आए हो, स्पॉन पे हो क्या? हाँ स्पॉन पर हूँ यार, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 हार्ट हैं। हार्ट्स को छोड़ो, मेरे पास कुछ सामान है जो कि मैंने खुद के लिए रखा था लेकिन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। यार वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे अनबैन किया क्यों? अरे यार अनबैन तो करना ही था ना एक ना एक दिन, लेकिन उसके अलावा एक बार टैब दबाओ, कुछ दिख रहा है? टैब? व्हाट, ये बंदा कौन है भाई? यार ये बहुत लंबी स्टोरी है, पहले जल्दी सामान पहनो, निकलो पहले मेरे पीछे आओ। बैन क्या हो गया, नया मेंबर भी आ गया? मेंबर नहीं है भाई, ये कोई नया ही आइटम है, तुम बस जल्दी करो जल्दी, हमें बस इसको मारना है अभी, इसको बैन करना है। मैं तुम्हें सीन भी बता देता हूँ क्या है। बेसिकली इस बंदे ने मेरा सर्वर न्यूक करा था, पब्लिक सर्वर, तो इसके पास एक एक्सप्लोइट था जिससे हम क्रिएटिव ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट एसएमपी के अंदर। उसके उस एक्सप्लोइट को लेने के चक्कर में मैंने इसको वांटेड में वाइट लिस्ट करवा दिया भाई। और आपने वाइट लिस्ट किया कैसे? भाई वो छोड़ो भाई, पीछे आओ जल्दी से भाई, तुम इतने स्लो क्यों? मैंने लास्ट टाइम उसको इस साइड पे देखा है। गेमर टी यहाँ पे कुछ देखो, कुछ मिले तो बताना, मैं आगे जाके देखता हूँ, शायद उसकी कुछ ना कुछ तो होगा। उस पे नेदरराइट आर्मर है सो देख के। एक सेकंड भाई, यहाँ पे लीवर लगा है कोई। वेट 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 वेट, यहाँ पे बेस किसकी आ गई? प्रेस। एक सेकंड, आवाज आ रही है कुछ। कुछ हुआ क्या? रुको, अरे 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 क्रीपर भाई, यहाँ पे आवाज आ रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा। रुको रुको रुको, किधर है भाई? इधर है, इधर आइए देखो। ओके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे रेडस्टोन का। एक सेकंड एक सेकंड, ये मिल गया मिल गया मिल गया। करो एक दो फ्लिक करो। अरे यार ये देखो भाई, ये देखो, एक सेकंड मैं करता हूँ। ओ ये देखो फिट भाई, लेट्स गो। ये एक सेकंड एक सेकंड, क्या है? अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो बंदा नीचे है। हाँ हाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर 30,000 सब्सक्राइबर्स। लिटरली तुम लोगों की सपोर्ट की वजह से हमने फाइनली 30,000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं। लेकिन हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें हिट करने हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स एट द एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन अगर तुम लोग अभी सब्सक्राइब करो तो ये चीज अभी के अभी पॉसिबल है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक दफा प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ये जगह देखी देखी नहीं लग रही थोड़ी सी? अरे हाँ नीचे ही है, नीचे ही है, नीचे ही है। रुको रुको आ जाओ, ये तो कैप्टन की बेस है ना? हाँ कैप्टन की बेस ही है भाई साहब, मतलब ये ऑक्यूपाई करके बैठा है भाई पूरी जगह। आ जाओ यार, लेकिन इसने नीचे कुछ, मेरे ख्याल से हम दो हैं तो मसला नहीं। अरे खड़ा है वहीं पर खड़ा है, बैठा है ये तो, योगा कर रहा है मेरे ख्याल में। हेलो अलवेज भाई, ये किसी की बेस पे कब्जा करके बैठा है क्या तू यहाँ पे भाई? ये कुछ बोलेगा भी या नहीं? अबे यार भाई, एक तो ये इसका गूंगा है मेरे ख्याल में, ये बेस तो कैप्टन की अच्छी थी यार भाई, उसकी बेस पर इसने क्यों कब्जा किया हुआ है? इसने तो मेरे आर्मर पे भी कब्जा कर लिया था, तुम यहाँ क्या करने आए हो भाई? हम तुझे बैन करने आए हैं इस सर्वर से। हैदर यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें पीवीपी नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे अब बैन करके दिखाना, मैं हमेशा अब वांटेड में रहूंगा। गेमर्टी लगता है वो पीवीपी वाली बात को सीरियस ले गया, चलो अभी नहीं तो कभी नहीं।
ओके गेमेटी गेमेटी रुको रुको, इसके साथ फेयर फाइट करते हैं, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। ओके ओके ओके, इसको मैं ही देखूंगा अकेला, इसको लेके आया था तो मैं इसको बैन भी इसको मैं ही करूंगा। चलो भाई जी जी भाई, ये पागल तो नहीं, इसने बेड भी यहीं पर लगाया हुआ है। रुको 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 रुको, किधर गया किधर गया किधर गया, अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको बेड मत तोड़ देना, मेरे पास ऑब्सिडियन पड़ा था कुछ। ओके ये रहा बेड। हाँ भाई क्या हुआ, वही तो वांटेड में परमानेंट रहने का ख्वाब देख रहा था हैं, कितने हर्ट्स है तेरे पास जरा बताना हमें भी। 3 हर्ट्स ओके, रुक जा भाई, बैन नहीं करना इसको। ओके 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 ओके, अभी तक मैं वही करता आया हूँ जो तूने मुझे बोला है, लेकिन अब चीज़ें उल्टी हैं ऑलवेज, अभी तू वो करेगा जो मैं तुझे बोलूँगा। परमानेंट रहना था भाई ने वांटेड में। भाई तुझे 2 टिप्स देता हूँ, शायद से तेरी ज़िंदगी में ये कभी काम आ जाए, कभी भी किसी चीज़ का घमंड मत करना, और दूसरी टिप कभी भी मेरे साथ ब्रेन गेम्स मत खेलना। वांटेड ज्वाइन करेगा भाई, बट अब हम ऑपरेटर कैसे लेंगे? ऑपरेटर फाइटर क्या हो गया इसको, पीसी वीसी रुको। हेलो फाइटर क्या हुआ भाई? हेलो हाँ, क्यों बुला रहे हो वीसी, क्या हुआ? आपको कुछ पता चला सर्वर न्यू कैसे हुआ था हमारा? यार मुझे नहीं पता चला यार, मुझे लगा आपको पता चल गया होगा, ऑलवेज मुझे लगा ऑलवेज ने आपको बता दिया होगा। अब तक तो अबे नहीं बताया यार, वो पता नहीं कोई अलग ही ड्रामा था वो। क्यों तुम्हें पता चल गया क्या? हाँ मुझे पता चल गया है। सच में क्या हो? हाँ। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ कैसे? हाँ वो एक हमने प्लगइन डाला था ना सिक्योरिटी का, वुल्कन 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 वुल्कन, अबे वो तो सिक्योरिटी का प्लगइन है वुल्कन। तो उससे उसमें एक ग्लिच था, उससे हमारे सर्वर ने फोर्स ऑफ ले लिया था, इसने भी नहीं किया। वेट 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 वेट, तुम्हें तुम्हें उस ग्लिच के बारे में पता है? हाँ हाँ पता है पता है। अरे भाई अगर तू थोड़ी देर पहले आ जाता तुझे नहीं पता मैंने क्या किया लिटरली। भाई बता जल्दी स्क्रीन शेयर करके बता वो ग्लिच कैसे यूज करते हैं, मुझे प्लगइन सेंड कर वो जल्दी भाई जल्दी। हेलो गेमल्टी। हेलो यस हैदर भाई। अरे यार वो ऑपरेटर की बात की थी ना मैंने आपसे, ऑपरेटर ऑब्टेन करना है एसएमपी के अंदर। हाँ हाँ उसका क्या हुआ? यार उसका तरीका मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है उसका, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, एक तो आप मेरी स्क्रीन पे आओ। ओके लेकिन तरीका मिला कैसे भाई? यार वो छोड़ो बस मेरी स्क्रीन शेयर पे आओ। दिख रही है। ओके देखो मेरी बात सुनो, ये देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एक ग्लिच होता है, पहले अगर वो तरीके को अगर हमने एसएमपी के अंदर एग्जीक्यूट करना है ना, तो उसके लिए एक स्क्रीनशॉट चाहिए। आपको पता है क्या करना है? आपको ऐसे हवा में जाना है। ओके एंड देन आपको नीचे जंप करना है, मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना आप? हाँ हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। ठीक है आपको नीचे जंप करना है एंड देन ये यहाँ पे राइट क्लिक कर देना ताकि आप ऊपर स्टक हो जाओ, ये ग्लिच है माइनक्राफ्ट का। हाँ हाँ ओके 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 ठीक है। हमने ये शो करवाना है कि आप हैक्स लगा रहे हो, हमने ये चीज़ शो करवाना। ओके ओके समझ गया समझ गया। हमने बस ये शो करवाना है कि लाइक माइनक्राफ्ट का ग्लिच है, लेकिन असल में हम ये शो करवाएंगे कि लाइक हम आप हैक्स यूज़ कर रहे हो। हाँ ओके आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं ऊपर जाया करता हूँ, लेकिन फिर प्लैंक्स भी तोड़ने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं हम दोनों ऊपर चलते हैं, फिर आप ऊपर से नीचे आते 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 प्लैंक्स तोड़ देना। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो आधे ले लो मैं देता हूँ ये लो। हाँ आई गेस हमें बस थोड़ा शो करवाना है, आप जंप कर जाओ आप। हाँ नहीं मैं आप थोड़ा ऊपर आओ ना एक बार। नहीं आप वो ग्लिच कर लो ना, आप ऐसे हवा में जंप करो ना। मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। आप ऐसा करो, चलो आप नीचे वाले ब्लॉक्स तोड़ दो मेरे साथ। ठीक है और नीचे तक तोड़ते जाओ। ठीक है मुझे अभी बस एक छोटी सी रिकॉर्डिंग का स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज का। हाँ ओके ओके ले लो भाई। ये क्या चल रहा है एसएमपी के अंदर, बंदा लिटरली उड़ रहा है भाई हवा में। यार ये हैकर्स का कुछ करना पड़ेगा। हेलो हेलो मिस्टर एक्स। हेलो 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 यार भाई ये कैसा सर्वर बनाया तुमने, तुम्हें एडमिन दिया हुआ है और तुम सर्वर को ही नहीं ठीक कर पा रहे। क्यों क्या हुआ, सर्वर ठीक तो है अभी तक कभी किसी ने शिकायत की नहीं। रुको रुको मैं तुम्हें शिकायत करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट भेजा मैंने, स्क्रीनशॉट चेक करो, हमारे प्यारे गेमल्टी हवा में उड़ रहे हैं वो हैक्स लगा के, दिख रहा है ये? व्हाट एक सेकंड, अबे ये तो वाकई भाई ये हुआ है या नहीं? नहीं उड़ तो रहा है ना वो तो दिख रहा है,
देखो भाई कोई ये लगाओ कोई अच्छा सा प्लगइन इसका, नहीं तो ये नहीं चलता, ऐसे सर्वर बंद हो जाएगा जल्दी, हैकर घुसे पड़े। अरे हैदर भाई अभी तो कोई बजट वगैरह नहीं, क्योंकि सारे प्लगइन्स पेड आते हैं, कोई भी फ्री प्लगइन जो होगा भी वो अच्छा नहीं है, उसमें तो आराम सुकून से फिर भी हैक कर सकते हैं। अच्छा फिर मैंने अपने सर्वर के अंदर लगाया था वुल्कन का काफ़ी टाइम पहले, अभी नहीं है वो मेरे पास पड़ा है, चाहिए हो तो बताना, वो लगा दे। हाँ वो प्लगइन तो अच्छी मैंने पहले भी यूज़ की हुई, काफ़ी अच्छी एंटी चीटर। तो वो मैं दे देता हूँ आपको, वो लगा दो आप। चलो आप दो मैं लगा के चेक करता हूँ। वैसे हैदर भाई उस बंदे ऑलवेज प्लेस का क्या बना? उसका क्या बनना था भाई, मैंने बोला तो था आपको या तो आप उसको बैन करोगे या मैं कर दूंगा, मैंने कर दिया बैन उसको। ओके ठीक है ठीक है। अरे हेलो गेमर्टी। हाँ हैदर भाई बोलो। यार वो मेथड पता चल गया भाई मुझे ऑपरेटर वाला। मेथड पता चल गया तो आओ फिर करते हैं उसको। आ जाओ थोड़ा सा इधर आ जाओ साइड पे, ये जगह सही नहीं है। चलो 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 जस्ट हमें पता क्या करना है, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। देखो दो चेस्ट और एक एनविल का गेम है सारा, ये पता है हो किससे रहा है, ये हो रहा है वुल्कन से जो सिक्योरिटी प्लगइन है। लेकिन लेकिन अंदर जाके करते हैं ना भाई, इधर कोई और किसी ने देख लिया कोई और भी खेल रहा हो। अरे कोई भी नहीं है, चलो फिर आ जाते हैं। किसी को कौन सा पता चलेगा, हम तो इंचेंट कर रहे हैं बस। चलो आ जाओ। हाँ वैसे ये बात भी सही है, करते हैं चलो यहाँ पे रखो। ओके कन्फर्म तो है ना कि मिल जाएगा? हाँ कन्फर्म है। एक सेकंड रुको, मुझे जस्ट यहाँ पे इसको डालना है, एक चेस्ट को, उसका नाम रखना है वुल्कन एंटी चीट, एंड देन मुझे इस चेस्ट को नीचे प्लेस करना है एंड इस चेस्ट को राइट क्लिक करना है एंड बूम। ओ माय गॉड क्या हुआ, मेरे पास इस टाइम पे सारी कमांड का एक्सेस है। व्हाट सीरियसली? मुझे भी दो, अगर आपके पास ऑपरेटर है तो मुझे भी दो। ये देखो, नहीं ऑपरेटर के विदाउट आया है। ये देखो अपनी इन्वेंटरी में इस चेस्ट को ओपन करके देन इस चेस्ट पे राइट क्लिक करो, यानी कि इस चेस्ट को ऐसे ओपन करो देन ये जो चेस्ट तुम्हारे हाथ में है ना इस पे राइट क्लिक करो, लेकिन अपना कर्सर ले जाकर वहां पे। ओ भाई साहब, भाई सारी कॉम्बैट चेक्स, मूवमेंट चेक्स, सब कुछ है लेकिन अभी ऑपरेटर नहीं है। रुको छोड़ो चेस्ट दो मुझे। हां हां अभी हमने बस ऑपरेटर लेना है। चेक्स टिकट्स बा, अरे यार ये नहीं। चलो भाई इधर से, ये इधर से हुआ क्या कुछ? तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने के बाद मैं फाइनली उस चीज़ को ऑब्टेन कर लेता हूँ जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। बूम वेट ओके अकॉर्डिंग टू इट मेरे पास अभी एक्सेस होना चाहिए। ओ माय गॉड ये मल्टी टैप दबाओ ट्विटर में भाई रुको ओ माय गॉड मैं क्रिएटिव में लिटरली, ये देखो ये What? एक सेकंड ये एक देखो सेकंड, ये देखो आपका दोस्त हेलो हैदर भाई ये क्या है सब कुछ? कुछ क्या कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। हैदर भाई मैंने आपकी बात पे ट्रस्ट किया था यार। मैं तो बस इधर ऐसे ही घूम रहा था, मैं चलता हूँ अभी के लिए। टी भाई रुको, आप कहीं नहीं जा सकते अभी, रुको आप इधर। भाई तुम कहाँ से आ गए? भाई आपको लगता है कि मेरे पास सिर्फ ऑप है, मेरे पास कंसोल एक्सेस है, मैंने देख लिया था आप ऑप ले चुके हो, पर मुझे पता है कि आपने ऑप कैसे लिया है। आपने मेरे से वो एंटी चीट प्लगइन नाम वो डलवाई वुल्कन, और आपने उसके थ्रू अपने आप को ऑपरेटर दिलवाया है। अभी आपके पास मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। या तो फर्स्ट ये है कि मैं आपको बैन कर दूँ इसी वक्त और आप वांटेड से परमानेंटली बैन हो गए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना ऑपरेटर दे दो मुझे। ऐसा तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया अपने से ऑपरेटर हटवा के, एंड आई होप सो आगे से आप इस चीज़ का ख्याल करोगे कि दोबारा कोई इस तरह का एक्सप्लॉइट चूज ना करो, वरना अगली बारी बैन हो गए। क्या तुम लोगों को लगता है ये एंडिंग इतनी इमोशनल होगी? ऑपरेटर तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही ले लिया था उस एक्सप्लोइट का यूज़ करके, तो गेमर्टी के सामने तो बस मैंने एक्टिंग की थी ऑपरेटर गेन करने की, मेरे पास पहले से ही ऑपरेटर था एंड यू नो व्हाट, उस ऑपरेटर का यूज़ मैंने काफ़ी सही चीज़ों में किया था। मैंने माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री का हर एक इलीगल आइटम निकाल लिया था एंड इन आइटम्स की वजह से शायद से अभी SMP वैसी ना रहे जैसी ये अब है।